आए दिन केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके चलते आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु इन दिनों पोलाय कला के पेट्रोल पंप पर डीजल उपलब्ध नहीं होने से किसान खासे परेशान हो रहे हैं। पोलाय कला के पंपों पर डीजल लेने के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शाजापुर के पोलाय कला नगर में इन दिनों डीजल को लेकर पेट्रोल पंपों पर हाहाकार मचा हुआ है। पंप पर डीजल लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। दरअसल इन दिनों सोयाबीन की बुआई का समय चल रहा है और सोयाबीन की बुआई के लिए किसानों को खेत तैयार करना पड़ता है, जो कि ट्रैक्टर की मदद से ही होते हैं और ट्रैक्टर में डीजल लगता है। परंतु नगर के तीनों पेट्रोल पंप पर डीजल उपलब्ध नहीं होने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं आज जब पंप पर डीजल के लिए टैंकर आया तो डीजल लेने के लिए पंप पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। यहाँ पर डीजल लेने आए हैं, करीब करीब 15 दिन हो चुके हैं। इस समस्या को होने का टाइम आ गया है। किसान बहुत परेशान है और इस किसान तरफ कोई देख नहीं रहा है। अभी अभी सब अपने अपने यहाँ पर चला रहे हैं। एक बार डीजल नहीं मिला और डीजल की बहुत समस्या आ रही है, हर जगह पर आ रही है और किसान अभी आज मौका मिल रहा है। आज अभी देख सकते हो भीड़ बहुत है यहाँ पे। आज भी मिले या ना मिले डीजल, आगे बोनी है। हम बार बार डीजल बंद मशीन बंद करता है। बार बार करीबन 8 दिन से लगातार डीजल की किल्लत पड़ रही है यहाँ पर और 8 दिन के बाद खड़ी रोड के ऊपर जो पेट्रोल पंप है इसके ऊपर 8 दिन में अभी आए डीजल आया है। इसके बाद यहाँ पर हमें 4 से 5 घंटे लगातार लाइन में खड़े हुए हैं और सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि किसानों की समस्या का निराकरण जल्दी से जल्दी करें और इस पर ध्यान दें। पोलाय कला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।